This question is also very easy, but again, the nature of volcanic eruption apparently is determined by the chemistry of magma that feeds it. इसमें सिंडर कोन, शील्ड कोन, जितना कोन आपने पढ़ा है जीसी लियोंग में सब डाल दिए हैं आप। जरूरत है इसकी क्या? नहीं है। वो सिल्डर कोन या सील्ड कोन एक एग्जाम्पल के तौर पे आएगा। द क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन इज अपरेंटली इज डिटरमाइंड बाय द केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा दैट फीड्स इट। एरप्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, सेंट्रल एरप्शन और फिशर एरप्शन, राइट? What is the role of magma in making central eruption and then the variety of central eruption? ये question पूछा जा रहा है. How the chemistry of magma determines the nature of eruption? Why hot spot? अब यहां पे इसमें तीसरा hot spot भी आएगा. Why hot spot is so slow? Why it spreads like a sheet? Why the fissure eruption? Or the, like for example, why basaltic rocks of Deccan lava plateau has wide spread rather than going upward? इसकी बात करनी है यहाँ पे, right? So the density of magma, the viscosity of it determines the nature of eruption. इस line पे बात करनी है। इसमें introduction में आप volcanism को ला सकते हैं, the concept of volcanism को एक इसमें दे सकते हैं। To start with, अब वॉल्केनिज्म को भी बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वॉल्केनिज्म का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है बनिस्बत बीइंग डिजास्ट्रस। एंटायर एटमोस्फेयर, एंटायर हाइड्रोस्फेयर, राइट, इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन अ बिट ऑफ डिजास्ट्रस। विच एवर वे यू वॉन्ट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद दिस, दैट वॉल्केनिज्म इज द इग्नियस एक्टिविटी विच हैज help the entire earth to shape and reshape itself in the geological past, right? There are basically three types, not eruptions, there are three types through which magma comes out on the surface of the earth, direct iosphere, because they are talking about nature of eruption. They are not talking about what are the different landforms produced by volcanic activities. The question is about nature of eruption is apparently determined by the chemistry of magma that feeds it, right? So then talk about the magma. In fact, the emphasis would be more on magma, the constitution of magma. Solids hote hain, pyroclastic material hote hain, liquids hote hain. Zarurat nahi yahan pe classify karne ki, yahan pe bhi ye dekhiye. That's what I'm saying. इट इज यू हैव टू कोरिलेटेड विद दैट ऑफ सेपरेटली। आप एक पैराग्राफ में इसको क्लासिफाई नहीं करना है, उसको नटशेल में बात कर सकते हैं। जैसे पूरा, जैसे कई बार बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लावा, जरूरत नहीं है आपको। वो बच्चों वाला स्टाइल है प्रेजेंटेशन का। हो सकता है आपको 5 मार्क्स आ जाए, हो सकता है आप 290 आ जाए। उस स्टाइल से 290 आता है तो यकीन माने कि आपको 330 आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिए आप, 290 लाके खुश मत होइए, दैट मीन्स यू हैव परफॉर्म अंडर परफॉर्म। I'm just trying to tell you not to underperform. आपकी जो potential है उसको उजागर करो। आप उसको type ना लिख करके एक reference में लिख दो, उसी को एक line में लिख दो, उसमें ज्यादा detail में मत जाओ, because that is not the demand of the question. You are writing on your own. So whatever you are giving on your own, it should be crisp and very short. एग्जाम्पल एग्जैक्टली स्ट्रोम्बोली या पिलियन की बात करें, पिलियन इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव पिलियन। तो वट एवर इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मैग्मा। हाँ, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल वो तो आएगा ही नाम, शील्ड वॉल्केनो भी आएगा, लेकिन आप शील्ड वॉल्केनो से स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, सेपरेटली उसको लिखना ही नहीं, एग्जाम्पल में देंगे। जब हॉटस्पॉट वॉल्केनो की बात करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपको हवाईयन का नाम आएगा, रियूनियन का नाम आएगा, या आइसलैंड का नाम आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, व्हेन द परसेंटेज ऑफ सिलिका इज वेरी हाई, द मैग्मा बिकम्स लेस डेंसर, एंड व्हेन दे आर लेस डेंसर, देयर स्पीड इज वेरी हाई, बॉयंसी रेट इज वेरी हाई, कॉन्सिक्वेंटली दे मेक एक्सप्लोसिव
oozing out of the magma, majorly associated with central eruption. अब जब central eruption में बात करते हैं तो magma की chemistry के variation की वजह से किस तरह से how Cotopaxi is different from Stromboli, how Pliniian is different from other Japanese lakes example, you all know it. So then within central eruption also the density and the chemistry of magma differentiate between the nature of eruption, especially the rate of explosiveness, the violent. So when the density of magma is much lower, the explosion is much more, the magma is much more explosive. Then you can give example why andesite is so explosive. Why more? Beautiful. Because the silica content is very high. Why silica content is very high in andesitic? Because it is formed from the continental crust. नहीं, अंडीज के नीचे मेरी जान कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ से आ गया? Why basaltic only? Why not peridotite? Look at here again, एकदम कॉमन सेंस है इसमें. द मैग्मा विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर बिलो द अर्थ सर्फेस, द ग्रेटर द हाइट इट अटेन्स लोअर द डेंसिटी इट विल हैव. कॉमन सेंस है ना, जब भी वो ऊपर जाएगा तो डेंसर मिनरल विल बी सेपरेटेड एंड सेग्रीगेटेड एंड अल्टीमेटली ईच लेयर हायर अबव इट, द लेयर विल लोअर बिलो लोअर विल बी हैविंग हायर डेंसिटी as compared to the layer above it. Automatic, simple physics ka principle hai na, ki magma is a molten material. When it starts rising, that's why we have rocks density varying, and closer to the earth surface, it becomes lightest. Why granite is lighter than basalt? Basically because of the height. Because magma has to attain greater height, so density automatically will reduce. And when the lower the density, patla aadmi zyada tez daud sakta hai, yaar, as simple as that. नहीं, विथ अदर कंडीशंस आर सेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉल नॉरिस्ट, लेकिन रिलेटिवली पतला आदमी अगर है तो मैग्मा की डेंसिटी अगर कम है तो ऑब्वियसली वो स्पीड ज्यादा होगी. दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्सप्लोजन और बीइंग एक्सप्लोसिव. सो सेंट्रल इरप्शन, देन टाइप्स ऑफ सेंट्रल इरप्शन, अब वहां पे एग्जाम्पल आ जाएगा, राइट? देन टॉक अबाउट फिशर इरप्शन, देन मैग्मा वेदर इज एसिडिक और बेसिक, देन एक्सप्लेन इट. बेसिक्स आर, basic magma is basically means higher percentage of non-silica material, making it much more denser and heavier. And because of being heavier, the explosiveness is much, much lesser. Consequently, the lava comes out relatively smoothly and making flood basalts. Ab yahan pe fissure eruption mein aap Deccan lava plateau ka agar example dete ho, to examiner kaat dega aapko. Dhyan rakhiye is baat. When fissure eruption is not Deccan lava, right? Hot spot. That's why how Deccan lava is different from other lava plateau. Most of the lava plateau on the surface of the earth is produced through fissure eruption, but the Deccan lava plateau is formed through Reunion Island. सभी लोग जानते हैं. तो जब आप fissure eruption की बात करेंगे, come directly to mid-oceanic ridges. Talk a little about the East African Rift Valley. The example should not be Deccan lava plateau. When you come to explain hot spot volcano, now hot spot volcano, what is hot spot? Mantle core boundary. Now mantle core boundary से जो लावा आ रहा है, basically outer core बोलते हैं इसको. geographer अपना थोड़ा सा smart बनने के लिए mantle core boundary दे दी है. जब outer cores का जो liquid लावा है, if they has some connection onto the top, that will be hot spot volcano, right? अब वो जब आएगा तो उसकी density क्या होगी? As compared to the other major source of lava or magma, that is asthenosphere. So iski density kya hogi? Bahut hi zyada. So even if the distance covered by it very, very long, that's why it is a rare volcanic eruptions. Because to pass through, to pierce the entire solid mantle, it is very difficult for the magma to reach onto the surface of the earth. Right? That's why rare occurrence. 50 के अराउंड अभी तक पाया गया है उसमें. अब उसमें दीजिए उसकी क्या होगी? बेसिक ज्यादा होगी, राइट? बिकॉज डेंसिटी बहुत ज्यादा से निकला है, इसलिए वो टॉप पे आते आते भी क्या हो जाएगा?
रिलेटिवली डेंसर ही रहेगा, राइट? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यू कैन टॉक अबाउट दैट, बिकॉज द केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा, आप जब बसाल्ट की भी बात करते हो तो केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा में बात कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स. व्हेन यू आर सेइंग द सिल्का परसेंटेज इज हायर, अगेन दैट इज केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा, दैट मीन्स अदर फेरस और द हैवी मेटलिक मिनरल्स आर मोर इन क्वांटिटी. और एक चीज और है, मैं याद आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो इंजीनियर्स हो ना उसको मैथमेटिक्स की तरफ प्रूव करना छोड़ो. कम आउट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. हेंस इट इज प्रूवन दैट केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा फीड्स दैट. मतलब ये मैथमेटिक्स वाला जैसे जनरली होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्रूव दैट. द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग टू प्रूव इट, राइट? सो डोंट नीड टू राइट हेंस इट इज प्रूवन और हेंस इट इज सजेस्ट दैट. समझ रहे हो? वो अपने इंजीनियरिंग से बाहर निकलो. तुम आईएएस बनने जा रहे हो, इंजीनियरिंग कोर्स खत्म हो चुका है तुम्हारा. नेवर राइट दिस वे. द मोस्ट चाइल्डिश इट अपीयर्स इवन टू मी कि भाई आप, जबकि मैं भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, मैंने जिंदगी में पहले भी बताया होगा शायद, मैं ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट नहीं जानता था कि इंडिया में व्हेन आई वाज राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो उस तरह से नहीं लिखना चाहिए. कुछ भी तरीका लिखो मगर उस तरह से मत लिखो, हंसी आ जाती है कि अच्छा आ गए मैथमेटिक्स वाले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्रूवन. तो कंक्लूजन में इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ह्यूमन एंथ्रोपोसेंट्रिक होने की जरूरत नहीं है. सिंपली यू कैन टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मैग्मा, नेचर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, एप्लीटली इज डिटरमाइंड बाय केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा. अब इसमें जैसे टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस या द पोस्ट वॉल्केनिक फिनोमेना की हम बात कर सकते हैं. गीजर्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, डायरेक्टली हम नहीं बात, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर द सीनिक ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स. इफ अब इंडिया कंटेक्स में मणिकरण है, कितने लोग मणिकरण का नाम जानते हो तुम लोग? चलो पढ़े लिखे हो, सोचो पढ़े लिखे में भी सब नहीं जानते, राइट? उसको हाईलाइट करने की बात करो. इवन इन आवर कंट्री देर आर लॉट ऑफ हॉट स्पॉट्स एंड लॉट ऑफ सच सीनिक ब्यूटी इंक्लूडिंग पोस्ट वॉल्केनिक फिनोमेना विच कैन बी हार्नेस्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म. नहीं कर सकते हैं ना? येलोस्टोन पार्क को सब जानता होगा लेकिन मणिकरण को कोई, राजगीर को कोई नहीं जानता होगा, सीताकुंड मुंगेर को बहुत कम लोग जानते होंगे, राइट? पोस्ट वॉल्केनिक फिनोमेना है. मध्य प्रदेश का जो है ताता पानी, वो सबको अब उसको हाईलाइट कीजिए, वहां पे हाईलाइट कीजिए.